सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इस स्टॉक में आज के दिन एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां पर जिन निवेशकों के पास ये स्टॉक है उन्हें एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी में क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो इसका सिंपल सा एक ही कारण है कि जी इंटरटेनमेंट का जो एक मर्जर होने जा रहा था सोनी टेलीविजन के साथ, वो कैंसिल हो चुका है, जिस वजह से इस स्टॉक में आज के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां पर स्टॉक लगभग 300 रुपए तक का हाई लगा दिया, तो वहीं पर इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब अगर इस स्टॉक का नीचे का सपोर्ट लेवल देखें, तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न ही देखें, तो स्टॉक में एक टॉप बना था, डबल टॉप बॉटम, 295 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने इस पॉइंट पर डबल टॉप बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिला है। जब स्टॉक का जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 150 रुपीज पर है, 150 रुपीज का भी स्टॉक का नीचे का सपोर्ट लेवल है, क्योंकि आज के दिन स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो जिन निवेशकों के पास ये स्टॉक है वो 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 200 रुपीज के लिए। पर अभी ये स्टॉक ऊपर का अपसाइड मूव दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह डेल्टा कॉर्प लिमिटेड में देखा गया कि काफी स्टॉक नीचे गिर चुका था और लगभग एक महीने के बाद स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, सेम इस स्टॉक में भी यही है कि खबरों के दम पर स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, जब आज वो न्यूज गलत हो गई तो वहीं पर इस स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 150 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करें, और जब स्टॉक एक बार निचले लेवल पर एक रिकवरी होती हुई नजर आएगी तो स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।